आज होने वाली है हमारे घर में दावत की तैयारी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इनको निकाल के सॉर्ट करते हैं और फिर कुकिंग स्टार्ट करते हैं। प्याज, चिकन, यार इतनी अच्छी ग्रीन चिलीज हैं, टमाटर थोड़े ज्यादा आ गए हैं, क्या प्रॉब्लम है? हम लोग करेंगे स्टार्ट मीठा बनाने से। ठीक है, मैं मीठा बना के फ्रिज में रख दूंगी, वो तब तक ठंडा होता रहेगा। देन आई विल गेट स्टार्टेड विद बिरयानी एंड कढ़ाई एंड कबाब्स। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। वी आर गोना स्टार्ट बाय मेकिंग कस्टर्ड। उसमें वनीला कस्टर्ड डालूंगी ना उसका लिक्विड बनाने के लिए, मिक्स कर दूंगी उसमें ओरियोज और क्रीम और चॉकलेट। अच्छा, चॉकलेट ही सा बन जाएगा, लाइक एवरीवन लाइक्स ओरियोज। सो ठीक है, बेस वो ओरियो। किस चीज की बेस है? ओरियो। वो लिक्विड है उसका, मैं उस पर डालूंगी। ये लिक्विड है, लाइक इसको लिक्विड बनाऊंगी। There's all this smooth over the toilet, make smoother network for you. It's okay, maybe do something useful. I'll do this. I feel like doing it, don't threaten me. Can you cut onions? No. Please? हटो, स्पैचुला किधर है? मजे दोस्त पे चिपकता है, छोड़ दो उसको, मैं खुश हूँ। नहीं, मैंने मैं खुश हूँ, मैं नहीं खुश। आपको क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? मैंने गया स्पैचुला, मैंने मैं चिपक रहे। क्लास, बहुत शुक्रिया जी आपका, जुगाड़ क्लास। आप शेफ है ना, प्रोफेशनल मैं नहीं हूँ। अच्छा, क्या करना है? प्याज काटना है? यस। पटक है नीचे कबर्ड में पड़ा हुआ। क्रीम को पहले बाउल में मिक्स करके लिक्विफाई करके फिर डालो। जस्ट अ सजेशन फॉर अ बेटर आउटकम। लम्स नहीं बनेंगे। आई कैन मिक्स इट, जस्ट लेटिंग यू नो। छोटे से बाउल में डाल के थोड़ा सा उसके अंदर वो अपना पानी या दूध जो भी डालना है डाल के उसको लिक्विफाई करके फिर डाल। मुझे नहीं करना लिक्विफाई। ओके, कैंची है ये लड़की। ऐसा मैंने आपको क्या बोला है कि आपको मैं कैंसी लगती हूँ? ज़बान ऐसे चलाती है। आपको अच्छी लगती है ना कैंची की ज़बान? आपको बुरी लगती है? लम्स बन गए। कुत्ता भौंक रहा था। ओ, ओ, ओ। नहीं बने लम्स, मजाक कर रही हूँ। नजर आ रहे हैं मुझे। नहीं बने। डोंट बुलशिट मी। एक तो इतना मुश्किल काम मुझे दे दिया ना प्याज काटने वाला। स्लाइस। हाँ, स्लाइस है। बड़ी मेहरबानी, काम भूल गया। मेरे प्याज करते हैं बहुत कम आंखें चलती हैं, कोई बहुत ज्यादा बटे प्याज है। कैशूज,
कितने अच्छे होते हैं ना। किस चीज से बने होते हैं ये? आई एम सो ग्लैड यू डोंट मेक व्लॉग्स एंड यू डोंट लाइक द कैमरा बिकॉज दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम यू आर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय वीडियो। गुड फॉर मी। मिन्नतें की है मेरी इसमें कह रही है इसमें आने के। मैंने कहा कि आए हैं मेरी हेल्प करने तो साथ वीडियो बना लेंगे, लेकिन बड़ी तुमने मेरी मदद कर दी है। प्याज काट रहा हूँ, रो रहा हूँ, आंखें चला रहा हूँ, और क्या चाहती हो मुझसे? ज़बान पे भी थोड़ा काबू कर लो ना। मुझे कह रहे हो कि मैं काटती हूँ, खुद क्या कर रहे हो? बिरयानी शुरू करते हैं जी। प्याज रखती हूँ पैकेट एक डब्बा चॉकलेट वाला। शेर है नाजुना अदागाने मनम हो कला कला। नाजुना अदागाने मनम हो कला 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 वो खैर दे आदत में जोड़ा हुआ। जमा पश्तो ना राजी। कैन यू ट्रांसलेट इट? नो, जस्ट हेल्प योरसेल्फ एंड ट्रांसलेट इट। तो पता है एक चीज दुनिया में जो मुझे नहीं बनानी आती और मुझे मौत आती है वो है चावल। लेकिन आप बनाते तो अच्छे हैं। चल मैं वक्त करूँ। बेबी भिगोना है, कितना मुश्किल है। मास्टर शेफ ये भी काट दो। ज़बान यूज़ कर लेना। ज़लील इंसान। Just use your tongue. I mean, मतलब मैं बार बार ऐसे बोल रहे हैं लोग समझे ना मैं बहुत बुरी हूँ, कोई आपको बहुत बातें सुनाती है। मैंने आपको कुछ बोला है? मैंने आपको क्या बोला है? कितने ग्लास? क्यों चढ़ा रही हो प्याज? तो तुरंत स्लो करो। नहीं ये देखो जलो प्याज निकालो, सारी सारी डिश खराब हो जाएगी। वो हो जाएंगे वो तो निकाल के दो। खैर लेट इट बी। आपने देखा वो बिरयानी में ब्राउन कलर के प्याज आ रहे होते हैं? वो ब्राउन होते हैं, काले नहीं है। काले ना। मैं नहीं खाना बना रही, आप बनाए। कितने ग्लास प्याज डालो बता। प्याज कितने ग्लास चावल पे गोने बता दो। और कोई बर्तन दे दो, कोई बर्तन नहीं लग रहा प्याज। ये ग्रीन कलर। तीन ग्लास? हाँ वो ग्रीन चिली ये पड़ी हुई है। तीन ग्लास ज्यादा नहीं है? तीन ग्लास ही बोला मैंने। टू एंड हाफ बोला। रिकॉर्डिंग सुन ले तो पता। दो ग्लास काफी होंगे। दो ग्लास बना लेते हैं फिर। मेरी टांगे दुखना शुरू हो गई हैं। This one, right? Yeah. First put water in it, then put it on the stove. Putta ravi go to wapas rakho main. Kya? Wapas to rakho main. Kya wapas? Patila tumhare. Acha. सो गाइज इट्स मोर लाइक अ व्लॉग काइंड ऑफ थिंग कि मैं जो पका रही हूँ मैं साथ साथ आप लोगों को दिखा रही हूँ, लेकिन इसमें लाइक कोई ऐसे रेसिपी सीन नहीं है। मैं सारी बेसिक चीज़ें बना रही हूँ जितनी आप लोगों को समझ आ गई। अगर आप ट्राई करना चाहें आप लोग उस हिसाब से बना सकते हो। ये लोग भी तो हैं। ये लोगों को नहीं दिखाना। सो या आई मीन इट्स जस्ट अ व्लॉग ऑफ मी कुकिंग एंड समवन हेल्पिंग मी। समवन सो मीन आज मुझे इतनी बातें सुना रहे हैं फॉर नो रीजन। इधर आओ, ये लो ये करो। इसमें नीचे कचरा हो गया। हाँ वो साफ हो जाएगा। इसमें ग्रीन चिलीज डालें और उसको साथ ही क्रश करें। और उसके बाद आपने इसमें लहसुन डाल। दूध डालो नहीं डालो? कुछ चल रहा है। मसाला बन गया है। यम्स यम्स। Let me try.
पानी में नमक डाला था? नहीं। तो यानी मुझे अब अलग से छिड़कना पड़ेगा क्योंकि मेरे बंदे को याद नहीं रहा। आपको बताना यार मेरा ना। आपको तो रेसिपी आती है, आपने अभी बोला है। तो मुझे इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, राइट? ऐसे आप बड़ी बातें सुनते हो मेरी, अपनी मर्जी की बातें सुनते हो, अपनी मर्जी की बातें छोड़ देते हो। That's how life works. Yeah. लोग कितने उसमें है ना कि ये माजिद कितना स्वीट है, कितना अच्छा है, शुमाइला इज द रूड वन। लेमन इसमें एक ले इधर लगा दो, लेमन के और एक टॉप पे लगा देना, बहुत अच्छा है। ओके स्मॉल हो जाएगा। ये तो सड़े हुए हैं। हाँ ओके, आई थिंक हो जाएगी अगर तरीके से बिस्मिल्लाह पढ़ के डालोगे तो। यार ये चावल कितने अजीब से हैं, सौगी सौगी। टमाटर पता नहीं भूख क्यों नहीं लग रही, हालांकि कब का खाया हुआ है खाना, इतना तो मैंने नहीं खाया था कि मुझे अगले दिन तक भूख ना लगे। अभी कितने 4:30 हो रहा है, डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग, बस टमाटर खाए जा रहे हैं। ऑफ कोर्स Delight is ready and it looks so yummy. मेरे दिल चाह रहा है मैं यहीं से खा लूँ, लेकिन आई एम गोना पुट इट इन द फ्रिज और शाम तक ये जब ठंडा हो जाएगा इसको हम चिल वनीला आइसक्रीम के साथ खाएंगे। स्वीट बना के फ्रिज में रख दी है और बिरयानी को लेयर्स लगा के रख दी हैं। अब मैं बनाने स्टार्ट करने लगी हूँ कबाब, और कबाब के लिए वेजिटेबल्स वगैरह चॉप हो गई थी, ये मीट है जो कि सॉफ्टी हो गया है, एंड आई एम जस्ट गोना get started with making kebabs। और जब गेस्ट आएंगे तो मैं साथ ही, जैसे वो आएंगे मैं लाइक उनके आने से 30 मिनट्स पहले कबाब बना के रख दूँगी। सो आई एम जस्ट गोना मेक द शेप्स एंड द मसाला, हमारी तो आवाज़ ऐसा करो, एंड द मसाला, और वो मैं बना के रख रही हूँ। और साथ साथ हमारे बर्तन धुलेंगे, किचन थोड़ा सा मेसी हो गया है, विच इज़ फाइन ऑफ कोर्स जब गेस्ट आ रहे होते हैं और आप खाना शाना बना रहे होते हो तो ये हो जाता है। अभी बस कढ़ाई में ऊपर रखती हूँ, बर्तन धोते ही हम कर लेंगे साथ ही, क्योंकि चीजें तो कटी हुई, गंद नहीं होना अभी। क्यों सा छोटू सा हमारा कबाब बन गया है। मैं आपसे बात नहीं कर रही, बस अब सारे बना के मैं रखूंगी इनको फ्रिज में ताकि ये आपस में थोड़े चिपक जाए और खुले नहीं व्हेन आई एम कुकिंग इट, बट नहीं खुलेगा इंशाल्लाह, आई नो इट। मुझे तो बहुत पसंद है भाई, आई एम ए रियली बिग फैन ऑफ बारबेक्यू मीट वगैरह और ये वाली चीज़ें आई लव। अक्सर लोग पाकिस्तान जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, सो हमने सोचा कि यार उनके साथ हम करते हैं डिनर। काफ़ी टाइम से हमने जो है डिनर तो खैर हमने साथ लास्ट वीक किया था, लेकिन अभी वो जा रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए, सो यू नो इट्स गोना बी अ लॉट, क्योंकि वैसे हम नेबर्स हैं तो हम लोग हर वक्त मिल रहे होते हैं, सो यू नो आई वॉज गोना मिस हर। सो मैंने सोचा कि यार चलो मैं जो है आज डिनर उसके साथ करूँगी, सो इंशाल्लाह इट्स गोना बी फन। ये चेक करें जी कबाब रेडी हो गए हैं, बाकी के दूसरी प्लेट में पड़े हैं, एंड आई एम जस्ट गोना पुट देम इन द फ्रीजर ताकि थोड़े से जुड़ जाएं और उसके बाद इनको हम लोग कर लेंगे फ्राई। Let's get started with making chicken kadhai.
सॉल्ट, फ्राई। You're looking pretty fantastic. Years pass by with our goals intact. In tandem, we're dancing till the nighttime laps. We're in the daytime stranded. Your self-esteem tastes candid. ये देखें जी, खाना ready है. अब हम इसको खाने लगे हैं. और ये हमारे हसीन मेहमान देखें. इसको मुकाने लगे. और हमारे लिए donuts आए हैं जी. ये check करें जी. कसम से हर वक्त डाइट डाइट डाइट. ये कैसे खुलेगा? ये इसको इसको क्या करूंगी? आज हमने कहा इतने ही वो प्यार से उन्होंने दावत दी है, हमने आज खा के जाना. बहुत अच्छी बात है भाई. उनको बहुत मुश्किल से हमने मनाया है. वो उनके घर से निकलने निकलने दे रहे थे. वो तो हमें निकलने नहीं दे रहे थे. वो बोला ना कि आपने बोले कि सो गुड. Look at these beautiful, beautiful flowers I got. So pretty. क्या कह रहे थे? मजा नहीं आया यार. Oh. अल्लाह, अभी बोल रहे थे भाई कुछ और. अभी बोल रहे थे. अभी बोल रहे थे चस करा दी है. शुमेला, आपने आज चस करा दी. मजा आ रहा है ये चीज़. देखिए, सब्जियां आपने काटी हैं. जाहिर सी बात है, मैंने बनाया इसलिए मुतारिफ कर रहा हूँ. अल्लाह, ये वो बंदा है जिसके बारे में आप लोग सुनते हैं ना, कैमरे के आगे सामने चेंज हो जाते हैं. भाई ऐसे कर रहे हैं. हाँ, कैमरा के पीछे जानू जानू. हाँ. मजा आपके माथे पे क्या हुआ है? कहीं आपका सर दीवार में तो नहीं लग गया था? नीचे से फुल लेयर. इस लड़की को जो है ना, मीठे से इतना मस्त. दैट्स इट. आर यू सीरियस? आर यू सीरियस? झूठी. मीठा इसको पसंद ही नहीं है. झूठी. चल झूठी. हमें 10 ग्लास पानी पीना पड़ेगा इसको खत्म करने के लिए. भाई खा के बताएंगे. असल रिव्यू भाई दे सकते हैं. हाँ जी भाई ने तो मीठा तो ये हम पूरी खा सकते. हाँ, हाँ. अक्सा के हिस्से का भी देखे ना, अल्लाह ने कैसी रब ने बना ली. बिल्कुल, जोड़िया आसमानों में बनती हैं. अक्सा को मीठा लग रहा है भाई. वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस. ओरियो डिलाइट. ओरियो का बहुत अच्छा टेस्ट है यार. ओरियो आइसक्रीम इतनी अच्छी होती है. ये साथ वो डाले में नट्स डाले. नट्स? हाँ, नट्स डाले. बहुत अच्छे लग रहे हैं. अक्सर ना चॉकलेट के पीसेस लोग डालते हैं, लेकिन मुझे नट्स, कैशियोस और एलमंड्स जो है ना, वो बहुत अच्छी लगती है. क्या होना है आप लोगों का है? वही होगा जब मंजूर होगा. मैंने पहले ही कहा ध्यान से थोड़ा मीठा खाया करे. कुछ तो मीठा खाया करे. ये ना हो आने वाला फुल्ली कोड़ा पैदा हो. अपने लिए भी डालो. बिल्कुल मीठा जीरो भी तो करना हेल्दी नहीं है ना. भाई मैं नेचुरल मीठा खाती हूँ. मतलब फ्रूट्स में मीठा होता है ना, फ्रूट्स बहुत खाती हूँ. लेकिन जो इस तरह का आर्टिफिशियल मीठा ना, ये नहीं मैं खा सकती. ठीक है चलो अब तुम खाओ. सिर्फ डोनट्स खाती है लड़की, डंकिन डोनट्स. आज मैं खाने लगी हूँ. खाओ, बताओ कैसा लगा. कैसा लगा? संगीत नीचे जाएगा तो जबरदस्त. झूठ बोल रहे हो, खुशी से बोलो. छुट्टियां चल रही है. भाई माजिद भाई कैसा लगा? कैसा लगा? ऐसे बोल मरेगा वो अभी. यार बहुत मरेगा. फेस पर तो चखा भी नहीं है पहले. मैंने आपको बोला ना, स्विच पेन किया अगर 2-3 पैराग्राफ में. दो हाँ. तीन पेजेस में आने चाहिए. ऐसे ही चलते हैं रिश्ते. नहीं नहीं ऐसे नहीं. शायद इस शेयर में कहना चाहता हूँ. तो शुरू ना. हेलो, आपने मिलना है?
सब लोग तो चले गए पाकिस्तान वापस एंड इट वाज अ फन टाइम, मज़ा आया खाना खा के बातें शातें करके लेट नाइट तक. इट वाज रियली फन. आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी. गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में. इफ़ यू गाइस हैव एनी स्पेसिफिक आइडियाज़ इन माइंड जिन बारे में मैं वीडियोज़ बनाऊँ, डू लेट मी नो बिकॉज आई एम टोटली आउट ऑफ आइडियाज़. खैर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.